अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंट्री टेस्ट का दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज हम आपको सॉल्व करके जो है वो दिखाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आपको एक एक सैम्पल एमसीक्यू से प्रैक्टिस मिल जाए और कुछ आपको तरीकाकार पता लगे कि तैयारी एंट्री टेस्ट में करते कैसे हैं। ये ई कैट और एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक हम इसको लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड मोशन का टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं। ये आम तौर पे फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 3 है। अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज। ये बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। आम तौर पे स्टूडेंट अगर इसको पूरी तरह से नहीं समझेगा तो वो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेगा मीटर पर सेकंड में और उसका आंसर जो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखा है इसको दे देगा आंसर। जबकि इसकी आखिरी लाइन जो है वो पढ़ें गौर से, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार। तो कार तो खुद मूव कर रही है, कार में वो भी बैठा हुआ है, वो भी मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू द कार उसकी स्पीड 0 है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरह इन एमसीक्यूज के अंदर जो आपके जहन को डायरेक्शन को चेंज करने वाले सेंटेंसेस हैं उनको गौर से समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द फोर्स। अब ये कहां से आएगा? आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फिजिक्स का एंट्री टेस्ट अच्छा वो देता है जिसको फार्मूलों पे अबूर होता है। क्वेश्चन पढ़ते ही उसको याद आ जाता है कि इसका फार्मूला क्या है। विद इन 3, 4, 5 सेकेंड एकदम फार्मूला जहन में आए, तो अगर टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं तो फिर फोर्स डिक्रीज करेगी, अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम प्रोडक्ट इंपल्स के इक्वल है। इफ वन पैरामीटर इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, इफ वन इज डिक्रीजिंग अदर इज इंक्रीजिंग। तो हेलमेट किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए, कि कोलिजन हुआ तो वो उसके अंदर जो लगे हुए पैड्स होते हैं या थर्मोपोर की शीट्स होती हैं वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देती हैं और टाइम ऑफ कोलिजन के बढ़ने से फोर्स डिक्रीज कर जाती है, इस वजह से वो बच जाता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस डज इट फॉल ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन टेकिंग जी इक्वल्स टू 10। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो S1 डिस्टेंस, इसको डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं, हाफ GT1 स्क्वायर। तो इसमें G की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो इसमें इसका आंसर आ गया 5 मीटर। इसी तरह दूसरा टाइम पुट करके S2 कैलकुलेट करें, GT2, T2 इज 2 सेकंड, सो हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर। तो अब 20 और 5 का डिफरेंस आपने देखना है, 20 माइनस 5 इज 15 मीटर, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आप अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करें और उसमें पुट कर दें। अब इसका एक शॉर्टकट बनाते हैं। एंट्री टेस्ट में हम आपको शॉर्टकट सिखा रहे होते हैं, तो इसका शॉर्टकट ये बनेगा कि S2 माइनस S1, ये एक बार आप याद कर लेंगे तो फिर आप उस फार्मूले को याद रखेंगे, हाफ G2 T2 स्क्वायर माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। हाफ इंटू G कॉमन ले लें तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, इसको डेल्टा S कह दें। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, हाफ इंटू 10, T2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3, 10 3 जा 30 बाय 2, 15 मीटर डायरेक्ट आंसर है।
तो हमने अब आपको इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट बनाना सिखाया है। आपने अब ये वाला फार्मूला याद रखना है आखिर पे जो हमने किया है डेल्टा एस वाला, कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां दो टाइम्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप ये फार्मूला याद रखें। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें कि हमने कितनी देर में सॉल्व किया, तो आप खुद देखेंगे कि आपको समझाते हुए भी सॉल्व करने में हमें कोई 15-20 सेकंड भी नहीं लगे। सो दिस इज द ट्रिक कि आपने अपनी स्टडीज के दौरान इसको शॉर्टकट्स को तैयार करना होता है टीचर के साथ मिलकर। तो एक अपना आप रजिस्टर बना लें जिसके ऊपर आप एक एक टॉपिक वाइज फार्मूला वाइज कैलकुलेशन और क्वेश्चंस करते चले जाएं और वहां वो शॉर्टकट अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। उसके मुताबिक वो एक कंप्लीट रजिस्टर जब आप एंट्री टेस्ट के मेन टेस्ट में जाने से पहले आपका तैयार हो चुका होगा, तमाम टॉपिक्स फार्मूले आप पढ़ चुके होंगे, उनके सैंपल एमसीक्यूज और बहुत सारे और एमसीक्यूज आप तैयार कर चुके होंगे, उसको जस्ट जाने से पहले आपने एक बार गो थ्रू करना है, तो आपकी सारी तैयारी इसमें मुकम्मल हो जाएगी। ये आपको हम वो तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए एंट्री टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड मैक्सिमम हाइट एच। तो फार्मूले आपके जहन में फौरन होने चाहिए जो अभी आपको बात बताई है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2vi साइन थीटा ओवर जी, और हाइट का फार्मूला है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इसको हम हाइट के फार्मूले से करते हैं। हाइट के फार्मूले में देखें क्या चेंज ला रहे हैं इसके राइट साइड पे। इसको आप 4 से और जी से मल्टीप्लाई करें ऊपर, साथ vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 4g से मल्टीप्लाई करें इनटू 2g। अब राइट साइड पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनाने की कोशिश करें, वो क्या है 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो चूंकि बाकी स्क्वायर में है इसीलिए हमने जी को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो आप ये देखें कि इसमें हमारे पास यहां से ऊपर से जी और नीचे 4 2 8 अलग कर लें, अब बाकी क्या रह गया 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी इंटू जी जी स्क्वायर, ये अलग। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है स्क्वायर में आ गया ऊपर, तो आप लिख सकते हैं जी बाई 8 इंटू 2vi साइन थीटा, अब मैं उसको 4 नहीं लिख रहा, 2vi साइन थीटा ओवर जी, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो आपका आंसर बन गया एच इक्वल्स टू जी, और साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हुआ है तो जी टी स्क्वायर बाई 8। तो आप देखें ये ऑप्शन कहाँ लिखी है जी टी स्क्वायर बाई 8, तो ये ए ऑप्शन में आपके पास लिखा है। सो इट मीन्स के ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। ये पहले से निशान लगा हुआ है, इसको हम रेज कर लेते हैं। चलिए उसको बाद में देख लेते हैं। हाइट और रेंज इक्वल, मैंने अभी बताया था फार्मूले फार्मूले फार्मूले, हाइट और रेंज को इक्वल कर लें। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो बाकी चीजें इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वी आई स्क्वायर से कैंसिल, जी जी से कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल आ गया साइन 2 थीटा। इसको ओपन करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये साइन थीटा इस के स्क्वायर से दूसरी तरफ कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास रह गया साइन
theta over 2 equals to 2 cos theta. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दें और cos theta को इसके नीचे ले आएं, तो ये बन जाएगा sin theta over cos theta equals to 4, tangent theta equals to 4 और theta tan inverse of 4. तो B option is correct option. बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन जो लिखी हुई है tan inverse of 4. तो इसमें कोई और कंडीशन भी दी जा सकती है, जैसे मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेंज, तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू 2r, रेंज इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ हाइट, r इज इक्वल टू 3h. इस तरह की कोई भी कंडीशन दी जा सकती है और उसका एंगल आपको फाइंड करना है इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सेलरेशन इन द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट is proportional to the nth power of the velocity of the expelled gases where the value of n must be. अब इसका formula basically है acceleration का, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि वो formula mass of total mass of the rocket divided by जो mass eject कर रही है gases delta m into delta t जितने time में into velocity of expulsion. ये फार्मूला है इसका. तो इस फार्मूले के साथ आप देखें तो वेलोसिटी की पावर प्लस वन है, देयरफॉर बी ऑप्शन करेक्ट है कि n की वैल्यू प्लस वन होगी. क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स. तो वही फार्मूला जो अभी हमने पहले अप्लाई किया था, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी चूंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जीरो होती है, तो इसको वी आई को तो लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ दें. हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें वैल्यूज पुट कर दें, हाफ इंटू 10 ले लें शुरू में वैल्यू आपने आसानी के लिए. तो 2 सेकेंड 2 का स्क्वायर 40 बाय 2, ये तकरीबन 20 मीटर आया. इसके करीब का आंसर देख लें, ये 9.8 रखते तो फिर ये आंसर आता बी ऑप्शन 19.6 meters. Question number 8, at which angle the range of the projectile is maximum? आसान सा question, इस तरह के आ जाते हैं दरमियान में question. 45 degree पे range maximum होती है. Question number 9, the force bear a wall on which water strikes normally at a speed of 10 meter per second and at a discharge of 0.0001 cubic meter per second. अब इस वैल्यू से पहले आप कैलकुलेट कर लें मास ऑफ द वाटर, तो वो आप कैलकुलेट कर लें डेंसिटी मास ऑफ द वाटर पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ से सेकंड पर सेकंड, तो डेल्टा टी वन निकल रहा है, वन सेकंड, ये नोट कर लें. तो ये आपके पास डेंसिटी वाटर की होती है 1000 equals to delta m और volume है 0.0001. तो delta m का आंसर आ गया आपके पास 1000 multiply by 0.0001 means 0.1 kg delta. तो अब आप force calculate कर सकते हैं. तो इस जिसमें ये momentum conservation of momentum में topic है कि water इस तरह से जब टैंक्स वगैरह में फॉल कर रहा होता है तो वो कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करता है. तो उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी बाय डेल्टा टी. बार बार आपको बता रहा हूं कि ये फार्मूलों की गेम है, जिसको फार्मूले नहीं याद फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो m की जगह आपने डेल्टा m ले लिया 0.1 kg जो अभी आया है, वेलोसिटी गिवन है 10, ये ऊपर लिखी हुई है वेलोसिटी 10, और डेल्टा t हमने इसमें से निकाल लिया तो 1 सेकंड, ये 1 पुट कर दें तो 0.1 into 10 1 रह गया, 1 न्यूटन फोर्स है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये समझाते हुए सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब आप खुद कर रहे हो और आपको फार्मूले याद हों तो फिर ये जल्दी हो जाएंगे. इस पर हमें 2 मिनट लगे, लेकिन आप जब खुद कर रहे होंगे तो होपफुली ये
30-40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एंगल्स। रेंज सेम होती है 45 डिग्री से प्लस में और माइनस में सेम एंगल पे चले जाएं, जैसे बी ऑप्शन 45 से 30 डिग्री क्या है 15 लेस है और 60 डिग्री 15 प्लस है, तो इन पे रेंज सेम होगी। इसको अगर हम यूं भी आपको समझाना चाहें कि सपोज हम ये कहते हैं कि 60 डिग्री में ये रेंज है तो 30 डिग्री में हाइट कम होगी, ये रेंज ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोइंग द बॉडी इज एट रेस्ट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना हो रही हो। इसमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे होती है और टाइम x एक्सिस पे, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये गलत बना हुआ है ग्राफ, इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, टाइम गुजर रहा है और हॉरिजेंटल लाइन चल रही है आगे, सो डी ऑप्शन इज शोइंग दैट बॉडी इज एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोइंग दैट बॉडी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप ये देखें कि ए में वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, तो ए में नीचे की तरफ आ रही है लाइन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सी में देखें ऊपर जा रही है, ये पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं कह सकते, तो इन्फिनिट की तरफ जा रही है, पॉसिबल नहीं है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हुई ए ऑप्शन कि जिसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है। तो हम इसी तरह इंशाल्लाह आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है करवाते रहेंगे, जो भी हमारे साथ इस चैनल पे अटैच होंगे इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और आप इससे तैयारी भी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। Thank you very much.